हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं नान की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी बनते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। आप बिना ईस्ट के और बिना ओवन के इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे आज हम बनाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है। आप इसके जगह गेहूं का आटा भी इसमें शामिल कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक आप ज़्यादा नहीं डालना है आपको, और अच्छे से इसे फेंट लें। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर 1 कप लेंगे गर्म दूध। यानी ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना कि आप हाथ से टच कर सकें। 1/4 कप हम इसमें दही लेंगे। दही आपको थोड़ी सी खट्टी ले लेनी है। 1 छोटी चम्मच चीनी डाल लें और 3 बड़ी चम्मच हम रिफाइंड तेल ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको घी नहीं लेना है और ना तो आपको सरसों का तेल लेना है। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लेना है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ी देर के लिए। तो चलिए अब हम मैदा का डो तैयार करते हैं। तो इसी मिक्सचर से हम इसे गूंधेंगे। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। तो आपको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके फेंटना है और इसे एक अच्छा गीला ये थोड़ा सा आपको लगेगा तो हाथ में थोड़ा सा आप ऑयल लगा के इसे गूंथ लें और इस तरीके से आपको मैदे का डो लगा लेना है। तो ये देखिए हमने इसे लगा लिया है। और चलिए इसे हम 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए देते हैं। और 20 मिनट हो जाने के बाद चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे चेक कर लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, काफ़ी मुलायम हो जाते हैं, जिससे बहुत ही फ्लफी बनते हैं। तो चलिए हम मैदा का थोड़ा सा डस्टिंग करके इसे बेलन से बेल लेते हैं रोटी की तरह। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और थोड़ा सा कलौंजी ले लेना है और हरी धनिया लेना है बारीक काट के। इसे ये देखने में बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसे बेल लेंगे ऊपर से ताकि अच्छे से चिपक जाए। और दूसरे ओर पलट के हम इसमें लगा लेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे पानी नॉर्मल वाटर लगाएंगे ताकि ये तवे पे चिपके। तो चिपकने के लिए हमने यहाँ लोहा का तवा यूज़ किया है। आप कोई भी नॉनस्टिक तवा ना लें, नहीं तो वो चिपकेंगे नहीं। आप सिर्फ लोहे का तवा ही यूज़ कर सकते हैं। तो जिस साइड पानी लगाया था उस साइड हम लगा के, और तवा काफ़ी हॉट होना चाहिए, यानी गर्म कर लें अच्छे से। उसके बाद आँच को कम कर लें और दूसरी ओर आप थोड़ा सा आँच को बढ़ा के इसे सेक लेंगे। तो इस तरीके से आपको ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत अच्छे से इसे बेकिंग के तरफ बेक कर लेंगे। तो देख सकते हो बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो इसमें हमने ऊपर से ऑयल, आप बटर लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद है। और इस तरीके की हमने बहुत सारी नान को तैयार कर लिया है। थोड़ा सा मेहनत करना है और बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी नान तैयार हो जाते हैं। ना तो ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपको ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस रेसिपी को देखने के बाद लाइक तो बनती है दोस्तों, तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।